गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मातृ छाया जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक में बात करेंगे फ्रेंड्स, वो है हमारा यूपी एसटीएल एसटी नंबर 1। फ्रेंड्स, हम ये बात करेंगे ज़्यादा ना फ्रेंड्स, 20 मिनट के वीडियो में हम कम से कम फ्रेंड्स नहीं हैं तो हम अपने एक 25 या 30 क्वेश्चन हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे जो अमूमन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने ये सोचा है कि ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव जो हमारी चल रही थी उसे कुछ दिन के लिए रोकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अगस्त में स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको देखते हुए हम बहुत जल्दी जल्दी 50-50 क्वेश्चनों की एक 20 मिनट में 50 क्वेश्चन अगर जो हो सके, पॉसिबल जितने हो सके हम करेंगे। फ्रेंड्स, हमको शुरुआत करना है ऐसे क्वेश्चनों पर जो सीधे सीधे हमारे क्वेश्चन में पूछे जाएँ। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे उन्हीं क्वेश्चनों में जो अमूमन पूछने की 100% चांसेस, हम उन्हीं में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी ये यूपी स्पेशलिटी टेस्ट सीरीज पहली चल रही है और टारगेट हमारे 500 क्वेश्चन होंगे। कम से कम हम एग्जाम से पहले यूपी के 500 क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के कम से कम इतने क्वेश्चन कर लेंगे। 500 क्वेश्चन हम अपने हर सब्जेक्ट के कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसका टारगेट जो है हमारा ये फ्रेंड्स टारगेट फ्रेंड्स 500 है। अब फ्रेंड्स 500 जब होगा तो इससे बाहर तो हमारे जाएंगे नहीं और अमूमन इसमें से आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी एक कंपटीटर हूँ और उन्हीं क्वेश्चनों को चूज करूँगा आपके लिए जो अमूमन पूछे ही जाएँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा ना समय लेते हुए हम आज शुरुआत करेंगे यूपी स्पेशल के टॉप क्वेश्चनों की जो अमूमन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, आप इसमें स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर जो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है हमारा पूछता है कि पहला क्वेश्चन कि बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ, मिर्जा गालिब का जन्म पूछता है। फ्रेंड्स, मिर्जा गालिब का अगर जो आपसे जन्म पूछे तो इनका जन्म फ्रेंड्स हुआ था आगरा में और फ्रेंड्स मृत्यु पूछता है तो फ्रेंड्स इनका हुआ था दिल्ली। ये क्वेश्चन में से आपको दो क्वेश्चन मिल गए, मृत्यु पूछे या जन्म पूछे, और 1857 की क्रांति के एकमात्र देखने वाले ये भी है। अब फ्रेंड्स, ऐसे ही नंबर दो हमारा क्वेश्चन है, अगर जो आपसे पूछता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, एक आपने नाम सुना होगा अमीर खुसरो का नाम सुना होगा, अमीर खुसरो का नाम सुना, अमीर खुसरो का नाम सुना होगा। फ्रेंड्स, ये भारत के तृतीय हिंद कहा जाता है और इनका जन्म है जो फ्रेंड्स इनका जन्म जो है पटियाली में हुआ, फ्रेंड्स पटियाली में, ये कासगंज में है और पटियाली में हुआ। फ्रेंड्स, ये पटियाली हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ऐसे ही पूछता है कि आपसे कहीं पूछ ले कि अब भाई पूछ ले कि एक क्वेश्चन पूछता है कि बीरबल का जन्म कहाँ हुआ, तो फ्रेंड्स
बीरबल। फ्रेंड्स बीरबल का जन्म पूछता है ये, फ्रेंड्स इनका भी जन्म ही पूछता है, बहुत ज्यादा पूछा है, कासगंज पटियाली में हुआ है फ्रेंड्स जन्म। अब फ्रेंड्स ये भी जन्म पूछा था बीरबल का, तो आपको पता है कि बीरबल का जन्म जो हुआ है फ्रेंड्स, ये तीसरा क्वेश्चन है, बीरबल का जन्म जो है फ्रेंड्स कालपी में हुआ है, कालपी में। और फ्रेंड्स ऐसे ही अगर जो आपसे पूछता है कि टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ, तो फ्रेंड्स टोडरमल का जो जन्म है, टोडरमल का जन्म है फ्रेंड्स, इनका जन्म जो है सीतापुर में हुआ, सीतापुर में। फ्रेंड्स सीतापुर में एक जगह है लहरपुर, ये लहरपुर में जन्म हुआ फ्रेंड्स, ये जन्म हुआ लहरपुर में। ऐसे ही फ्रेंड्स आपसे अगर जो आगे एक क्वेश्चन पूछ ले कि अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ और फैजी का, फ्रेंड्स अबुल फजल व फैजी का जन्म, तो फ्रेंड्स दोनों का जन्म आगरा में हुआ है, आगरा में, ये दोनों का जन्म आगरा में हुआ फ्रेंड्स, ये पांचवा क्वेश्चन था। इसी के साथ में अगर जो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो फ्रेंड्स आगरा की स्थापना ये आपसे पूछता है कि किसने की, तो फ्रेंड्स आगरा शहर की स्थापना जो आपको पता है कि सिकंदर, सिकंदर लोधी ने। और फ्रेंड्स सन अगर जो पूछता है तो ये फ्रेंड्स है 1540 में, सिकंदर लोधी ने 1540 में आगरा शहर की स्थापना की। ऐसे ही फ्रेंड्स एक पूछा जाता है कि जौनपुर, फ्रेंड्स जौनपुर की स्थापना पूछता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जो अमूमन आप जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स जौनपुर की स्थापना पूछता है, तो जौनपुर की जो स्थापना की थी ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने, फ्रेंड्स ये FST ये शॉर्टकट है, फिर उस साहित्य तुगलक ने की थी। और फ्रेंड्स इसी से सीधे क्वेश्चन और जुड़ा होता है कि ये किसकी याद में किया गया था, अगर जो फ्रेंड्स ये पूछ ले कि याद किसकी, किसकी याद में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ये फ्रेंड्स MBT हो जाएगा, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का जो लड़का था ये था फिरोज शाह तुगलक, ये चाचा के लड़का था जिसकी याद में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी जौनपुर। फ्रेंड्स अगर जो आपसे पूछ ले सिराज ए हिंद कौन से जिला को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये पूछता है सिराज ए हिंद पूछता है, सिराज ए हिंद, तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर है जौनपुर, ये जौनपुर है। अब फ्रेंड्स और आगे बात करें, हम पूछता है कि विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे पुराना शहर पूछता है या नगर पूछता है, नगर, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है वाराणसी,
ये फ्रेंड्स इसका वाराणसी पड़ता है, वाराणसी है आंसर। अब फ्रेंड्स ऐसे ही आपसे आगे अगर जो पूछता है कि एक क्वेश्चन यहीं से टप करता है कि आज हम थोड़ा फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे 500 के हमारी टेस्ट सीरीज चल रहा है तो हम हिस्ट्री के ले रहे हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे टॉपिक वाइज चलेंगे और उन्हीं क्वेश्चनों में करेंगे जो अमूमन पूछ लिया। अब फ्रेंड्स ऐसे ही अब मैं बात करता हूँ कि आगे एक क्वेश्चन अगर जो आपसे पूछता है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई, ये फ्रेंड्स 1857 का विद्रोह की शुरुआत पूछता है फ्रेंड्स, शुरुआत पूछता है। तो फ्रेंड्स अगर जो आपसे शुरुआत पूछता है कहाँ से हुई, तो फ्रेंड्स ये स्थान है मेरठ, और इसकी बहुत डिटेल के साथ मेरे इसमें क्लास डली हुई है, आप प्लेलिस्ट में हिस्ट्री की देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल से है। अगर जो फ्रेंड्स आपसे डेट भी पूछता है तो ये डेट है 10 मई 1857, ये फ्रेंड्स डेट है 10 मई 1857। ऐसे ही फ्रेंड्स अब आपसे कभी पूछ लें कि अकबर ने उर्दू की शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की थी, अकबर ने उर्दू फ्रेंड्स उर्दू की शिक्षा कहाँ प्राप्त की। अगर जो फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि अकबर ने उर्दू की शिक्षा कहाँ प्राप्त की, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है लखनऊ, ये आंसर है, उर्दू विश्वविद्यालय लखनऊ में भी स्थित है। अब फ्रेंड्स ऐसे ही एक क्वेश्चन आपसे और टप कर सकता है, पूछता है कि अवध की स्थापना किसने की, या मुगलों से अवध को आजाद किसने कराया। तो फ्रेंड्स ये थे सादत खान। फ्रेंड्स ये सादत खान ने अवध को स्वतंत्र किया, सादत खान ने अवध को स्वतंत्र किया। फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चनों को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं बात करता हूँ थोड़े से 10 क्वेश्चनों की और बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। सॉरी फ्रेंड्स ये जो हमारा 1504 नहीं, ये 1506 है, यहाँ पर 1506 है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बात करता हूँ आगे। आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया हो, हम फ्रेंड्स बात कर रहे थे यूपीएस स्पेशल के कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों की। ऐसे ही फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ,
फ्रेंड्स इसी में क्वेश्चन बौद्ध का जन्म पूछता है। फ्रेंड्स बौद्ध का जन्म पूछता है और फ्रेंड्स अगर मैं इसी में मृत्यु भी जोड़ दूं कि बौद्ध का जन्म और मृत्यु कहाँ हुई, तो फ्रेंड्स बौद्ध की जो जन्म हुई थी, सॉरी फ्रेंड्स बौद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में और फ्रेंड्स जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में हुई थी बौद्ध की जन्म और मृत्यु। फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि दो जगह धर्मों का सम्मेलन हर्षवर्धन ने किस कहां कहां करवाया था, मतलब सीधे एक क्वेश्चन करता है हर्ष ने धर्म सम्मेलन मेलन कहां पर करवाया। अब फ्रेंड्स जो इसका आंसर है ये है फ्रेंड्स, एक है फ्रेंड्स कन्नौज और फ्रेंड्स दूसरा है प्रयाग। ये दो स्थान पर हर्ष जो है अपने धर्मों का जो सम्मेलन करवाते थे। और फ्रेंड्स इसी के साथ में एक और क्वेश्चन में आगे पढ़ दूँ कि पूछता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की मजार कहाँ है, आपसे पूछ सकता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की फ्रेंड्स कब्र पूछता है, कब्र कहाँ है। तो फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ये कब्र है गाजीपुर में। और फ्रेंड्स गाजीपुर में एकमात्र अफीम फैक्ट्री है और यहीं पर गंगा नदी है जो गोमती नदी से मिल जाती है। अब फ्रेंड्स इसी में एक आगे क्वेश्चन करता है कि पूछता है कि इलाहाबाद को राजधानी किसने घोषित की। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछता है कि इलाहाबाद को राजधानी किसने, फ्रेंड्स किसने घोषित किया। तो फ्रेंड्स ये कैनिंग है इनका आंसर। और फ्रेंड्स ऐसे ही आपसे पूछता है कि इलाहाबाद रानी का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था, तो फ्रेंड्स अब ये गाने रानी का घोषणा पत्र किसने पढ़ा। तो फ्रेंड्स इसमें भी कैनिंग आ जाएंगे क्योंकि 1857 की क्रांति है जो कैनिंग के कार्यकाल में हुई थी और इन्हीं ने ही इलाहाबाद को राजधानी बनाया था और इन्हीं ने ही रानी का पत्र भी पढ़ा था जिसमें जो 1857 की क्रांति के बाद। और फ्रेंड्स अगर पूछ ले कि कब है तो इसकी डेट है इसकी डेट है 1858 जब ये पढ़ा गया। अब फ्रेंड्स ऐसे ही और आगे अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूं, मैं फ्रेंड्स इन्हीं में क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर भी मिल रहे होंगे। ये फ्रेंड्स आंसर है हमारे, ये मैंने उनको अंदर ब्लॉक कर दिया है और उनको आंसर भी मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स ऐसे ही आगे अगर जो मैं बात करूं
ऐसे ही फ्रेंड्स अब आपसे अगर ये पूछता है कि एक क्वेश्चन काकोरी कांड पूछता है आपसे फ्रेंड्स, काकोरी कांड पूछता है, काकोरी कांड पूछता है कि कब हुआ। तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कि लखनऊ के पास में ही एक काकोरी जगह है और इसकी डेट जो है फ्रेंड्स, डेट है 9 अगस्त 1925। इसकी डेट 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। और फ्रेंड्स ऐसे ही अगर जो मैं बात करूं, ये फ्रेंड्स 9 अगस्त को घटना हुई 1925। अब फ्रेंड्स एक चोरा चोरी कांड पूछता है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट डेट है और कहीं ना कहीं इसे पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसकी जो डेट है, इसकी डेट है 5 फरवरी 1922। ये डेट बहुत बार पूछी गई है और कहीं ना कहीं ये आती है। तो फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छी तरीके से आप याद करें, एक चोरा चोरी कांड। अब फ्रेंड्स पूछता है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिक हिंदुस्तान रिपब्लिक जो हिंदुस्तान रिपब्लिक फ्रेंड्स जो एक पार्टी थी, सॉरी फ्रेंड्स, ये पूछता है कि फ्रेंड्स पूछता है हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन पूछता है, संगठन की स्थापना कहाँ हुई फ्रेंड्स। अगर कहाँ पूछता है तो इसकी स्थापना जो है कानपुर में हुई, इसकी स्थापना फ्रेंड्स कानपुर में हुई, इसका ये आपसे पूछता है। अब फ्रेंड्स ऐसे ही आपसे अगर पूछता है कि जब आजाद 18 भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक स्वतंत्र सरकार बनाई गई थी, कहाँ पर बनाई गई थी, तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्वतंत्र सरकार का गठन 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 किसने किया पूछता है फ्रेंड्स, किसने किया। तो फ्रेंड्स ये गठन जो किया था फ्रेंड्स चित्तू पांडे ने किया था, और फ्रेंड्स स्थान पूछता है तो फ्रेंड्स ये बलिया है, बलिया स्थान बलिया है। अब फ्रेंड्स मैं अगर जो बात करूं इसी के, अब क्लास ज़्यादा ना बड़ी करते हुए और हम फ्रेंड्स मिलेंगे यूपी स्पेशल की जब नंबर आएगा, ये स्पीड टेस्ट दूसरे में मिलेंगे, तो कुछ और क्वेश्चनों में हाईलाइट में बात करेंगे जो अमूमन पूछे ही जाते हैं। जाते जाते फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं और बता दूं बलिया के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ बलिया लिख देते हैं, बलिया। फ्रेंड्स आपने चित्तू पांडे को देख लिया कि यहाँ पर सरकार हुई थी बलिया में। और फ्रेंड्स अगर पूछे मंगल पांडे
का जन्म भी बलिया में हुआ। ये फ्रेंड्स मंगल पांडे का जन्म पूछ ले तो बलिया में हुआ था। और फ्रेंड्स यहीं पर एक और लोगों का जन्म हुआ था बलिया में, फ्रेंड्स हमारे पीएम पीएम जो जिनका नाम था चंद्रशेखर, ये फ्रेंड्स चंद्रशेखर जी का जन्म भी स्थान यहीं पर बलिया में हुआ, इनका भी जन्म हुआ। और फ्रेंड्स बलिया की बात करूं तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। ये फ्रेंड्स जो बात थी बलिया की कुछ खूबियों की थी जो मैंने आपको बता दी। यूपी का सबसे पूर्वी जिला भी है, चंद्रशेखर पीएम हमारे चंद्रशेखर जी रहे, उनका भी यहाँ पर जन्म हुआ था, मंगल पांडे का हुआ और चित्तू पांडे ने यहाँ पर स्वतंत्र सरकार बनाई बलिया। और फ्रेंड्स इसी के साथ में बस इतना ही, मिलते हैं कोई एक नई क्लास के साथ, जब तक कि आपको देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हम लोग अब ऐसे ही क्वेश्चन में करेंगे, हर सब्जेक्ट की अलग अलग सीरीज 500 क्वेश्चन की हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे पैट के एग्जाम के पहले। थैंक्स।